पचारिंट तो एमती भी आम बहुत व्यक्ति आसुवे जो मान व्यक्तित्व विकास होपर आम अनुष्ठान लक्ष्य उद्देश्य समर्थन किसी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आंतर्जातिक शिक्षा अनुष्ठान एठारे कौनसी प्रकार दीक्षा ना धर्म ना मंत्र ना जंत्र ना एठी केवल जमी गोटे पिला तो रेगुलर पाठ पढ़ला तार किसी बौद्धिक विकास हुए तार बुद्धि बढ़े से प्रकार रेगुलर 24 घंटा भितर गोटे घंटा आम समय बाहर कर किसी शिक्षा मध्यम प्राप्त करवा आउ से शिक्षा हूँ कौन जमी आम स्कूल किंबा कॉलेज रे पाठ पढ़ला बेले माने आमर गोटे लक्ष्य नहीं एम रुहे जब जड़े इंजीनियर पढ़ा चाहिए से इंजीनियरिंग कॉलेज रे एडमिट हुए एडमिशन ले जड़े वकिल हवा को लॉ कॉलेज रे से एडमिशन ले पाठ पढ़े पाठ पढ़ी से जड़े वकिल हो पाए से प्रकार प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लक्ष्य है जे एठारे प्रत्येक व्यक्तिर आंतरिक शक्तिर विकाश हो पाए एवं ता सहित आज दुनिया आज जीवन जो आधुनिक जीवन शैली आम कि आधुनिकता भितर रही बाहर जो चाकचक्य बाहर जो आकर्षण बाहर जो विभिन्न प्रकार मन को आकर्षित करुवा व्यक्ति हूँ वस्तु हूँ बा कौन सी प्रकार दुनिया आकर्षण जिनस जोटा आम मन को आट्राक्टिव करे किंतु जदि आम आध्यात्मिकतार शिक्षा को निज जीवन में आम प्रत्येक दिन किसी शिखा एवं कर्म व्यवहार में व्यवहार करवा यूज करवा जहाद्वारा कि आम पाखे जहाँ सब मान कि दुर्बलता रोचे कमी रोचे से गुड़िकन होता सहित आम मन भितर जो मानसिक शक्ति सी भी बढ़ी था जहाँफल आम मेडिटेशन जो एठार शिखा जाऊँ मुख्य है मेडिटेशन राजयोग जोटा जो योग को आम कर्मजोग कहू बुद्धि योग बोली कहू तेणु आम मन भितर कि परमात्म को स्मृति में आवं कर्म करने समय हाथ में कर्म करुवा एवं बुद्धि मनरे ईश्वर प्रति आम स्मृति रखु कर्मजोग क्या तेणु आम समस्ते संसार प्रत्येक व्यक्ति कर्मजोगी कितु कर्म बिना मानव बिना रही पारे तेणु कर्म करने भितर आम स्मृतिटा केमी सब ईश्वर सहित जोड़ी हूँ बा लग रू ताकू आम कर्मजोगी आख्या दे था तेणु जो मैंने ये आसती केवल से नुह सहित जो बर्तमान जो लाइफ स्टाइल जीवनशैली जे आम समस्ते तनाव चिंतार रोचु टेनसन रोचु समस्त आम चाहू कि टेनसन फ्री लाइफ दरकार कितु टेनसन फ्री लाइफ आमको स्पिरिचुआल बहुत आवश्यकता रही तेणु आम जो भावचु जो मनीष जीवन में आम सत्संग करवा आध्यात्मिकता को निज भितर आवल सत्संग मध्यम नहीं आम भावचु सात दिन में थे आम सत्संग करदेबा किंबा 15 दिन में थे करदेबा मंदिर चली जा मंत्र करवा जंत्र पढ़ा ता नुह तेणु प्रत्येक दिन आम लाइफ रे किसी आमको शिक्षा नाक पड़ो जहाँ मानने जहाँफल आम जीवन में किसी परिवर्तन आसव तेणु परिवर्तन माध्यम है शिक्षा जोटा रेगुलर आमको पढ़ा पड़े ता सहित आमर चरित्र निर्माण तेणु ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक मनीष या कारखाना जमी प्रत्येक मनीष को मनीष भी यानी बर्तमान आम समस्ते मनीष सत हेले आम भितर केत आसुरी भक्ति रोचे का मंत्र अहंकार जो गुड़िक आम मनीष हेले आम वृत्ति गुड़ी आम मन को संपूर्ण अशांति कर दिए जहाँफल व्यक्ति आज जीवन में चाहे कि प्रभु मन को शांति मिलू हेले मन भितर जो काम क्रोध लोभ अहंकार वृत्ति रही आसुरी वृत्ति रही से गुड़िक आम मन को अशांति कर दिए तेनाली मुक्त पाइबाप आम ईश्वर व भगवान को मन पकाऊ किंतु भगवान को मन पकवा पूर्व आमको प्रथम भगवान को चिन्हा पड़ो जी भगवान किए कौटी रुहति केत आसती कौन करती सहित आम सम्मान कौन आम कौटी पाइबा जेपर्यंत विषय में अवगत नुहे मन पकड़ संभव नुहे तेणु जो मैंने आसती
ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ସାତ ଦିନରେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମେଡିଟେସନ୍ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମେଡିଟେସନ୍ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଡିମେରିଟ୍ସ ଥାଏ ବା ଅବଗୁଣ ଥାଏ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁ, ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଧାରଣ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୟଂ ବା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଯେ ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସ୍ୱ ପାଇଁ ବା ନିଜ ପାଇଁ ବା ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ସେଟା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ କାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ନ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ କାହିଁକି ହେଲା, ସେଟା ଟିକେ ମନରେ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୁମାର ମାନେ ବି ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କୁମାର କାହିଁକି କୁମାରୀ ମାନେ କରାଯାଇଛି ସେଟା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟାଚଲର ବା କୁମାର କୁମାରୀ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ବା ପରିବାର ନେଇକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁମାର କୁମାରୀର ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ଏଠାରେ ଯେ କେବଳ କୁମାରୀମାନେ ଆସିବେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନ ହେଲା 1937 ସିନ୍ଧି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କରାଚିଠାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ 9 ଜଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର ନାମ ଥିଲା ଓମ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାପରେ ସେଠି ଓମ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଓମ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଯେ ଓମ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଶୁଣିକି ଅନ୍ୟମାନେ ବି କିଛି ଆସି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳିକି ବହୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଝିଅମାନେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ପରିବାରରୁ ବୋହୂମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଓମ ଧ୍ୱନିର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ପୁରା ସିନ୍ଧି ସମାଜରେ ବା ସିନ୍ଧିର ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିଛି କରାଚି, ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ଦାଦା ଲେଖରାଜ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଲେଖରାଜ ବାବୁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ଲେଖରାଜ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଗଢ଼ୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାବାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ଵ ଥିଲା ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ବା ନାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହଉ। ଯେ ପୂର୍ବରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀର କିଭଳି ମାନେ ସମାଜରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ନାରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ନାରୀ ଅବଳା, ନାରୀ ଦୁର୍ବଳ, ନାରୀର କୌଣସି ସମାଜରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଛନା ବା ତାଡ଼ନା ରହିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ତା ଭିତରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, ଏ ନାରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜ୍ଞାନର କଳସ ଦେଲେ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ତେଣୁ ବାବା ଦେଖିଲେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ମାନେ ଅବହେଳିତ ସମାଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ନାରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ବି ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅବଗୁଣ ସୂତ୍ର ଦେଖିଲେ ନା, ନାରୀ ନଗର ଦ୍ୱାରା, ନାରୀ ନାଡ଼ୁଣୀ, ନାରୀ ସର୍ପିଣୀ, କିନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ କଲେ ନାରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ବାଛିଲେ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ସମାଜରେ ସେଇଟା ଖରାପ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବଗୁଣ ହେଲା ଯେ ଯାହା ସେ ଶୁଣିବେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବେ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ବାବା ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅବଗୁଣ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଅବଗୁଣ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଭଲ ଗୁଣରେ କ'ଣ ବଦଳେଇଲେ, କହିଲେ ଯଦି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର କଳା ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଜ୍ଞାନଟା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହବ, ପ୍ରସାର ହବ, ପ୍ରଚାର ହବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ଆମର ମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ
विद्यार देवी सरस्वती आम विद्या देवी रूप में पूजा कर देखा गले वर्तमान पुरुष प्राधान्य समाज रे जे पाठ पढ़ा दिगरे पुरुष मान आगे शारीरिक क्षमता रे पुरुष मानते आम ठार अधिक सहित शिक्षागत योग्यतार देखा गले पुरुष मान आम ठार बहुत आगे अच्छा किंतु तथापि आज धनर देवी लक्ष्मी रूप में पूजा एवं विद्यार देवी सरस्वती रूप में पूजा एवं शक्तिर देवी माँ दुर्गा रूप में पूजा करा जाउछि तेणु आदिम काल आम नारी शक्ति को बहुत महत्व किंतु जो मध्य युग द्वापर ठार नारी मानकर सब पतन आम देखिले सब अवगुण मान देखिले जहाँफल जो नारी आज दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अम्बा गायत्री वैष्णवी जहाँ को पूजा करने जहाँ आशीर्वाद नापी आम तक जाऊे आखिर आम हाथ जोड़ी नमस्कार करूचे एवं माँ पर आम स्वीकार कर आशीर्वाद चाहूचे तेरे से नारी नकुर केमी से नारी अबला किपर नारी अबला नुहे नारी दुर्बल नुहे नारी सबला नारी शिव शक्ति नारी हूँ माँ दुर्गा जी महिषासुर को मानी आई नारी आज देखते धनर देवी लक्ष्मी रूप से पूजा घरे घरे प्रत्येक गुरुवार पूजा कर आह्वान करी भितर बहुत किसी गुण भरी रही किंतु आम तार प्रत्येक गुण को भल गुण को आम कार्य लगे से नारी ए संसार को उद्धार कर प्रथम गुरु पिलार तेरे प्रथम पिला माँ ठार किसी शिखे परवर्त स्कूल विद्यालय को जाए और शिक्षकों ठार किसी शिक्षा लिखे तेणु माँ ही पिलार मान पा उन्नति कर आधार हूँ माँ एवं माँ जदि आशीर्वाद पिला रुहे तेल से पिला बहुत आगक बढ़े एवं जीवन में बहुत महान हो पाए एवं सहित जे एटा ब्रह्मा कुमारी ये भी कह जाए जितेबले आमर पूर्व जीवन थी आम कह घर आोटे फैमिली आपड़ गोटे फैमिली आसु जो आम एठार आसला परमात्मा पिता को आम बापा बोली पिता बोली स्वीकार कल आम गोटे सतान बापा पर गोटे संबंध भितर बांधल आम समस्ते गलु गोटे पितार सतान तेनालीर बापा जन तेनालीरु जी आसती सेमाने परमात्मा संतान दृष्टि सेमाने ब्रह्मा कुमार कुमारी होने संबोधन करूँ भाई एवं कहीं जेहेतु गोटे पर आम बापा जड़े तेनाली समस्त गोटे बापार हो गला आमर पारस्परिक संबंध भाई भी रही था आम समस्ते निज को ब्रह्मा कुमार एवं कुमारी कही बहुत सुंदर बार्ता भाई जिते पुरुष समाज रे मानने प्राधान्य समाज रे मानने ब्रह्मा बाबा नारी मान महत्व को प्रतिपादित करने को प्रयास कर मानने परिप्रेक्षी मोर मन पड़ जा महर्षि मनुकर उक्ति जत्र नार्यस्त पूजंती रमेन्द्र दत्र देव आउ रवींद्रनाथ टैगोर भी कहते वुमेन्स आर दिल्डर एंड मोल्डर ऑफ नेशंस डेस्टिनी दो डेलिकेट सॉफ्ट एज ए लिली सी हैज ए हार्ट सुप्रीम इंस्पिरेशन देन मींस अंडर मार्क बहुत भल लगला भी ये बार्ता जो आप विश्ववास को दौरान अच्छा पे मानते आ गए कथ मानते मोर ये चित्र देखी टे मानने मन भितर टे सन्देह होगुड़ाक ये चित्र सब जुगचक्र चित्र विषय टे समय सूचना दे जो ये चित्र टे आपने देखुं दुईटा चित्र अच्छे सीढ़ी जो चित्र स्टेप मान सीढ़ी चित्र देखा जा एथिले देखा जाए भारत उत्थान पतन अर्थात भारत में रोकवा जो भारतवासी मैंने से मैंने प्रकृत देवी स्वरूप थे केतना जिते बारत एक स्वर्ग भाला आम इतिहास शुणु स्कूल सार मान भी शुणीचु भारत हूँ सुनार चिड़िया सुनार चिड़िया मीन कौन ना भारत गोटे सुंदर मान देश जो देश में सुख शांति आनंद प्रेम खुशी शक्ति पवित्रतार धारा बहुत एवं से भारत में जो मैंने रोते बास करुले सब नर नारायण भी
नारी लक्ष्मी भाई आज देखो आमे लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण राम सीता एम भारत ही देखा पाऊ आमे भगवान रूप से मान्यता दे था जो भारत रामकृष्ण भाई थे लक्ष्मी नारायण भाई मनुष्य थे राधा कृष्ण भाई चरित्रवान गुणवान थे आज से मानव आत आज बहुत तल को खसी कारण जो भारतवासी मान सुख शांति संपन्नता रही संपूर्ण निर्विकार आम मन संपूर्ण पवित्र आज से मानव मन भितर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा देश घृणा प्रवेश करने द्वारा आज आम मन कलुषित होगला मनुष्य आत्मा जो जन्म मृत्युर चक्र भितर बारंबार आसी था जन्म मृत्यु ये चक्र घूरवा द्वारा आत्मारे थिबा जो शक्ति बा सुगुण ये सब धीरे 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 आम ठीक कमी जाए तेनाली भारत सुनार चिड़िया था अर्थात भारत स्वर्ग था से भारतवासी मैंने बहुत सुख शांतिमय जीवन व्यतीत कर सत्य त्रेता ये हूँ आम अढ़ाई हजार वर्ष एक समय भितर आम कमी डिग्रेसन टा हो ना प्रथम सत्य युग कह गोटे संपूर्ण स्टेज मानते परफेक्ट स्टेज थे आते जीवन टा बहुत सुखमय आनंदमय था त्रेता को खसिले रिंचे मात्र कि कला कम होगा जहाँफल त्रेता युगरे आम राम सीता रूप से राम सीतार स्वरूप व गुण को आम अनुभव कले द्वापर युग आसे द्वापर युग आसला जीवन अधा समय बीते जी कौन जिनस को बारंबार व्यवहार व यूज कला तार कि मान गुण टा कम क्षय हम जमी वस्त्र आज आप नुआ पिंधे कालिक धोदेला तार कि मान मलापा धोजी कि तार मेडिस कमी सेमती आत्मा जो स्थल कला थाए से संपूर्ण पवित्रमय जीवन व्यतीत कै एवं बारंबार जो जन्म चक्र मृत्यु चक्र आसी था तार कि कला कमी जाए स्थल मन कलुषित होलुषित मन भितर कौन रहा दुख अशांति चिंता भय रोग शोक एक्त पारे पुणी भगवान को खोजे हे प्रभु आमको शांति दि सुख दि शक्ति दि कि तार अभाव अनुभव कले से भगवान को खोजिले सुख शांति पवित्रता आमको पुनर्व दरकार तेना कलिजुग अंतिम समय नो कला मान कला शून्य कि कला ना आम पाखे शांति अच्छी ना खुशी अच्छी ना दिव्यता अच्छी ना चेतना अच्छी ये संपूर्ण रूप आम ठीक लोप पाइला तेणु ये कलिजुग अंतिम समय सत्यर प्रारंभ ये मध्य समय को आम संगम युग भी कही था आ समय स्वयं भगवान धारा पृष्ठ अवतरण होता है सी आसी मुख द्वारा एवं ब्रह्मा जहाँ को साधारण मानव रूप से आम मान मान्यता दौ मुखरे भगवान अमृत बाणी आमको शुणा को प्राप्त होता है जो मुख अमृत बाणी शुणु शुणापर आम मन में आनंद आसपाई आम पुराण में भी जानी जो कृष्ण बांसुरी शब्द आम शुणु से गोपी मैंने अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करते अतीन्द्रिय सुखटा है शारीरिक सुख न आत्मिक सुख आत्मा को जो शांति सुख आनंद प्रेम आंतरिकता दरकार से केवल आमको ये शिक्षा मध्यम मिली था राज्य युग मध्यम प्राप्ति हुए तेणु बर्तमान जीवन आर्व जीवन जब देखा तारे भारत कितने ऊंचा था कितने श्रेष्ठ था आम भारतवासी मैंने देवी देवी देवता स्वरूप थे कि आज से गुण से कला से शक्ति आम ठीक दूरेगला लोप पाईला पुनर्व पुणी से शक्ति को आम भितर अनुभव करने परमात्मा आसी सहज राजयोग सहज ज्ञान शिक्षा दे बहुत सुंदर बार्ता देती भाई प्रकृत में आम मान दिव्य गुण मान क्षय होबार लगी पुणी मानने आपणकर बार्ता शुणापुर निश्चित रूपे आम परमात्मा सहयोग करके दिव्य गुण को धारण करवा विश्व शांति प्रतिष्ठा निमित्त प्रयास करवा आपको पुणी अशेष अशेष धन्यवाद।